यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। पर वेट एक सेकेंड, ये तो मेरे स्क्रिप्ट में है ही नहीं था। अबे श्रीवास्तव, ये कौन सी तूने स्क्रिप्ट दे मुझे? अरे डीएस भाई, जैसा तूने कहा था वैसा ही मैंने लिखा है। साले ये तुझे लिखने नहीं दिया था मैंने। सही बात बोली तो मिर्ची लग जाती है आपको। अच्छा, अच्छे से याद आया, टेक्नो गेमर्स। तो गाइस ये इंट्रो तो टेक्नो गेमर्स का है, तो चलो एक बार लगा ही देते हैं। भाई मतलब ऐसे सुर के साथ कौन बोल सकता है यू व्हाट्सअप गाइस। अब आप में से कुछ लोग तो कमेंट करेंगे, भाई तू टेक्नो गेमर्स के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, तेरी तो औकात भी नहीं है उसके सामने। तो गाइस ये वाली वीडियो जरूर देख के जाना। फिर से एक मुलाकात देख लेते हैं। तुम औकात देखकर बात करते हो, हम बात करके औकात देख लेते हैं। अच्छा। तो भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही क्रिंज हो गया है हमारा। तो कोई बात नहीं, हम अपने गेम प्ले पर ध्यान देते हैं। तो चलो हमने अपनी बुगाटी निकाली है, आपको पता ही होगा ये हमारी बुगाटी, हमने पिछली बार यहाँ पर ला के रखी थी और ये समय आ गया कि इसे भी निकाल लेते हैं और चलते हैं। तो गाइज आज हम ऐसे यहाँ पर इस सिटी में आए तो इस सिटी पूरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइज आप अपने कार का बैक लुक देख ही सकते हो, क्या ही तगड़ी लग रही है अपनी कार। तो चलो चलते हैं, पूरी सिटी एक्सप्लोर करनी है हमें। तो गाइज मुझे अभी कॉल आया था स्वीट का कि कोई एक जिम का बंदा है जो हमें चैलेंज देने वाला है। तो हमें मतलब उसने हमें चैलेंज दे भी दिया है, क्योंकि उसे पता चला है कि हम बहुत बड़े गैंगस्टर है यहाँ के, तो उसने हमें चैलेंज दिया। तो मैं यहाँ पर जिम के पास ही आया था, तो देखते वो जिम कहाँ पर है। मुझे यही कर का लोकेशन दिया है स्वीट ने, तो ये रही वो जिम। तो अपनी कार को यहाँ पर ही पार्क कर लेते और चलते हैं अंदर और देखते हैं कि वो बंदा कौन है जो हमसे भिड़ना चाहता है। तो गाइज हम अंदर आ चुके हैं, आप देख ही सकते हो, और मुझे लगता नहीं कि कोई बंदा है, मुझे तो ये बंदा ही लगता है। तो चलो इससे ही बात कर लेते हैं और क्या दिक्कत है उससे यही पूछ लेते हैं। तो गाइज इस बंदे से हमारी बातचीत हो चुकी है और ये बंदा कह रहा है कि जो तुम बड़े गैंगस्टर हो तो मुझे रिंग में हरा के दिखाओ। तो हमने इसका चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है। अरे भाई ये क्या भाई, पहले तो इसे मारना है भाई। आग में कौन बॉक्सिंग करता है भाई, रिंग में आग लगी हुई है पूरी। अरे भाई मुझे पहले बताना चाहिए था कि आग में खेलना है। तो गाइज इसे तो हम नहीं छोड़ने वाले, तो इसे भी मार देंगे भाई। ये बंदा क्या समझ के हमें चैलेंज दिया है इसने, हम इसे उठने ही नहीं देंगे भाई, पहले आग में चलते। अरे भाई आग, हमारी हेल्थ भी नहीं है। तो चलो गाइज हमने इस बंदे को मार भी दिया है, अब तो इसे एक ही गुस्सा देते हैं। तो गाइज उसने हार भी मान ली है और इस आग को हम बड़ी आग में तब्दील कर लेते हैं। और वो बंदा अभी प्रैक्टिस में लगा हुआ है। तो ये रही हमारे हाथ में फायर गन और पूरे जिम को जलाने वाले, और यहाँ की आग बुझ भी गई थी। और ये बंदा देखो कैसे दौड़ रहा है भाई, हमें कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम बुलेट प्रूफ है, फायर प्रूफ है। तो पूरे आग लगा देते हैं पूरे जिम में। भाई इसने हमें चैलेंज ही कैसे दिया, वो बात अलग है कि हमने उसे हराया, फिर भी उसने चैलेंज ही कैसे दिया हमें। तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और हमारे पीछे एक पुलिस भी लग चुका है। और राइट गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम जिम के भी बाहर आ चुके हैं और देख सकते हैं हम पूरे आग में लगे हुए थे। ठीक है समरिया, पूरी आग अपनी लगी हुई थी समरिया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलो जल्दी से चलते हैं अपनी कार में बैठे। और ये देखो भाई, अरे भाई अपनी कार ब्लास्ट तो नहीं होगी ना भाई, अपनी कार में ही आग लगी हुई है भाई, इसे भगाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली हमारी कार की आग भी बुझ चुकी है। तो गाइस आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, कमेंट जरूर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।